हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। इन्वेस्टिंग जर्नी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे गेल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर कौन से लेवल्स खरीदारी के बन सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स, किसी स्टॉक में हमारी खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं है। अपने स्वयं के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पर स्टॉक को बाय करें, क्योंकि वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक स्टॉक में सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, जो अब सपोर्ट में बदल चुका है। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन अब बन जाती है तो एक जो टारगेट है वो यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मैं एक बार टारगेट ही फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ से स्टॉक लगभग 112 पॉइंट बढ़ा है, यानी कि 400% बढ़ा है। तो ये लॉन्ग टर्म का नजरिया हो जाता है। लॉन्ग टर्म के नजरिए से आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है खरीदारी की। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक लगभग 800 रुपए तक जाने की संभावना है। ठीक है, आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के नजरिए से मैं बात कर रहा हूँ। कितना समय लग सकता है वो देखने वाली बात होगी। मेरे विचार से लगभग लंबा समय लग जाएगा, 2030 के सॉरी 2030 गलत बोल गया मैं। यहाँ से आपको टारगेट 2029 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल लॉन्ग टर्म का नजरिया है वो हम नहीं देखेंगे। वीकली चार्ट पर हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट, मंथली चार्ट पर RSI 60 के ऊपर, ओके, वीकली चार्ट पे RSI 60 के ऊपर है, RSI 60 के ऊपर है यहाँ पर आप देखेंगे। तो हम यहाँ पर बुलिश हैं स्टॉक को लेकर के, मतलब स्टॉक में हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, डेली चार्ट पर एक बार देखेंगे हमारा जो सेंटीमेंट, जो हमारा प्रोसेस कहता है उसके हिसाब से। तो हमारा प्रोसेस कहता है कि हमें मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर बाय करना है। अब चूंकि सपोर्ट आप नहीं पकड़ पाए, ये हमारा सपोर्ट था लगभग, यहाँ पर हम 184 के आसपास बाय करते, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी ब्रेकआउट है 195 पर, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। एक बार मौका मिल सकता है आपको, यहाँ पर 195 से 200 के बीच में आप कहीं भी खरीदारी कर सकते हैं। ओके, बात करें टारगेट की, पहला टारगेट तो हम यहाँ से लेंगे तो 17% तक का मिल जाता है। आप लगभग 230 रुपए तक के टारगेट के लिए स्टॉक में जा सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।